व्यापारियों की नजर देश की फूड चेन पर है। इन व्यापारियों की घुसपैठ सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक है। लुटेरों के अंतिम बादशाह इन व्यापारियों को सहयोग कर रहे हैं। इसी षड्यंत्र के चलते अन्यायकारक काले काम कृषि कानून को तैयार कर किसानों को बर्बाद करने का काम चलने का आरोप संयुक्त किसान मोर्चा के कोर कमेटी के सदस्य टिकेत ने लगाया। इसी षड्यंत्र के चलते अन्यायकारक काले कृषि कानून को तैयार कर किसानों को बर्बाद करने का काम चलने का आरोप संयुक्त किसान मोर्चा के कोर कमेटी के सदस्य राकेश टिकेत ने लगाया। नागपुर दौरे पर आए टिकेत ने कहा कि सरकार भले ही आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रही हो, किंतु किसानों के हौसले बुलंद है। यहां तक कि किसानों ने भी अंतिम निर्णय कर लिया है, अंत काले कानून को रद्द करने तक आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि काले कृषि कानून के साथ ही कीटनाशक बीज और राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के संबंधित बिल लाने की भी सरकार ने तैयारी कर रखी है। एक तरह से किसानों को गुलाम बनाने की तैयारी इस कानून के माध्यम से की जा रही है। सरकार के इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। यही कारण है कि देश भर के किसान एकजुट होकर आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं। राज्य, जिला और तहसील स्तर पर आंदोलन किए जा रहे हैं। सरकार के साथ चर्चाओं के 10 चरण पूरे हो चुके हैं, किंतु सरकार का अड़ियल रवैया जारी है। इसी तरह किसान भी अपनी भूमिका पर अड़े हुए हैं। प्याज दूध को भी MSP लागू कर गारंटी का मूल्य तय करने के साथ ही काला कृषि कानून रद्द किए बिना किसानों की घर वापसी नहीं होगी, जिसके लिए मई 2024 तक भी दिल्ली में बैठने की तैयारी है। वो भी इस आंदोलन से जुड़े हैं। ये एक वैचारिक क्रांति है और जो वैचारिक क्रांति दिल्ली में शुरू हुई, ये एक विचार से उत्पन्न क्रांति है। ये क्रांति कभी फैल नहीं होगी। जिस तरह से गांव के लोग उससे जुड़े हुए हैं, अपनी बात हमको कह रहे हैं, फोन के माध्यम से बता रहे हैं, और एक भी किसान का ये मसला नहीं है कि हम इस आंदोलन से समझौता या सिलसिलेवार बात करके हम वापसी आए। उनका एक इशू है कि 3 बिल जो है ये बिल वापसी हो, इनके साथ में और बिल भी है, पेस्टिसाइड बिल है, इलेक्ट्रॉनिक बिल है, इनके साथ में कुछ NGT के बिल है, कुछ सीड बिल है, 3 बिल बैन है, इसके बाद में जो पाइपलाइन में जो बिल है, जो आने वाले बिल है, वे पूर्ण रूप से रुके। ये 3 बिल भारत सरकार वापसी है, नए बिल ना बने, ये बड़ा इशू है। MSP जो एक बड़ा सवाल है MSP का, जो महाराष्ट्र या दूसरे देश के किसी किसान को उसका ज्यादा लाभ नहीं मिल पाया, वो एक बड़ा सवाल है पूरे देश के किसानों के लिए कि MSP देश में लागू हो, वो कानूनी रूप से लागू हो। भारत सरकार उसमें बार बार उलझाती है कि हम लिखित में देने को तैयार है कि MSP खत्म नहीं होगी। हम खत्म की बात नहीं कर रहे, MSP कानूनन गारंटी चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।